मुझे इस नगर पर विजय पानी है। तो मैं सेना को आदेश दूं महाराज? नहीं, इस कार्य के लिए केवल मैं पर्याप्त हूं। इस नगर के राजा को आमने सामने युद्ध करने के लिए विवश भी करूंगा और उसे हराऊंगा भी। इस कार्य के लिए आपको अपने दाहिने बाईने हाथ अपने सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों की आवश्यकता तो होगी ना? होगी ना महाराज। केवल तुम दो नहीं, मेरे पास हजारों हाथ हैं। नदी के प्रवाह को ही रोक दिया महाराज ने। कितना बड़ा आकार कर लिया उन्होंने। कौन है जिसने ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को रोक दिया? ऐसा क्यों किया इसने? ऐसे तो नगर के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। देख क्या रहे हो तुम सभी? जाओ अपने राजा से कहो तुम्हारा ये नगर अति शीघ्र ब्रह्मपुत्र के जल में विलीन होने वाला है। महाराज, त्राहिमाम महाराज, एक असुर है, विशालकाय असुर। उसने अपने हजारों हाथ फैलाकर ब्रह्मपुत्र नदी को रोक दिया है। और यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो पूरा नगर ब्रह्मपुत्र नदी के जल में डूब जाएगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा हमारे राज्य को। कौन हो तुम? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है जो मेरे नगर को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो? शत्रुता नगर से नहीं, नगर के राजा से है। यह नगर मुझे चाहिए। जाओ अपने राजा से कहो मैं अब उससे ही बात करूंगा। मैं हूं यहां का राजा। पर अधिक समय तक रहोगे नहीं, क्योंकि ये राज्य अब मेरा होगा। तुम्हें विश्वास है ये नगर तुम्हारा होगा? तो इसे जल में क्यों डुबो रहे हो? जो मेरा ना हो उसे मैं किसी और का कैसे होने दे सकता हूं? इतना भी नहीं समझते? तब तो तुम्हें यहां के राजा अर्थात मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि तुम विजयी हुए तो इस नगर पे तुम्हारा अधिकार होगा। आश्चर्य है कैसे तुम एक समृद्ध राज्य के राजा हो। क्या तुम्हें मेरा पल और हजार हाथ नहीं दिख रहे जो मुझसे युद्ध करने का साहस दिखा रहे हो? तुम्हारी भलाई इसी में है, समर्पण कर यहां से सुरक्षित चले जाओ। युद्ध करने की मूर्खता मत करो। मूर्खता नहीं, युद्ध तो वीरों का श्रृंगार है। रही बात तुम्हारे हजार हाथों की, तो उनके रहते हुए भी मैं तुम्हें मल युद्ध की चुनौती देता हूं। तुम्हारे नगर की रक्षा तो तुमने कर ली, परंतु स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? मैं तुम्हें एक ही पल में कुचल सकता हूं। अच्छा, तो प्रयास करके देख लो। देखा तुम लोगों ने,
कैसे मसल के रख दिया तुम्हारे राजा को। मुझे मल्ल युद्ध की चुनौती देने चला था। मैं तो अब भी यही हूं। साहस है तो स्वीकार करो मेरी चुनौती। ये कैसे संभव है? कैसा कवच है ये जिसने इसे मुझसे सुरक्षित कर दिया? जिसके सर पे आशीर्वाद की दिव्य छाया हो उसे कौन पराजित कर सकता है? अब कहो, मल्लयुद्ध के लिए तैयार हो? जो भी पहले अपने प्रतिद्वंदी को 3 बार चित करेगा वही विजयी होगा। पहले ही वार में तुम्हें ऐसा चित करूंगा कि लड़ने के लिए उठ ही नहीं सकोगे। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। मेरे बाएं हाथ का प्रहार इतना शक्तिशाली है तो दाएं हाथ के प्रहार की शक्ति की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब शक्ति का परिचय तो मल्ल युद्ध में ही मिलेगा। तो अवश्य है तुम में। बहुत दिनों उपरांत कोई ऐसा मिला है जो बाणासुर के सामने टिक सका। इसकी बाह पर ये चिन्ह ये मल्लयुद्ध का स्थान है, मेरे जन्म चिन्ह देखने का नहीं। यदि ये जन्म चिन्ह है तो हम शत्रु नहीं, फिर युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मुझे नहीं पहचाना मित्र, किंतु मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मित्र? मैं बाणासुर, वही बाणासुर जिसे बचपन में तुमने माली से बचाया था। मित्र बाणासुर, मित्र बाणासुर, मित्र नरकासुर, नरकासुर। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है मित्र। मेरा मित्र अब दुर्बल, डरपोक, सरल नरकासुर नहीं रहा। महाराज हो तुम, वीर और शक्तिशाली योद्धा हो। मुझे गर्व है अपने मित्र पर। मेरी शक्ति का स्रोत माता कामाख्या की कृपा है मित्र। शक्ति श्रम से मिली हो तब से, या इन देवी की कृपा से, किंतु उसका सदुपयोग अति आवश्यक है, जो अभी तुम कर नहीं रहे हो। नहीं मित्र, यदि मैं उचित उपयोग नहीं कर रहा होता तो मेरा राज्य, मेरा नगर इतना समृद्ध कैसे होता? सभी इतने आनंदित कैसे होते? जिसे भी कोई कष्ट होता है मैं यथाशक्ति से उनके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूं, इसलिए मैंने कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। लगता है ये सुधरा नहीं है। इतनी शक्ति से त्रिलोक का राजा बन सकता है ये? बचपन के समान अभी भी समझाना पड़ेगा इसे। क्या हुआ मित्र, किस सोच में पड़ गए? अब तुम्हारे नगर को देख रहा था
जिसका निर्माण तुमने अपनी शक्ति से किया। तुमने हमारा नगर तो देख लिया, परंतु तुम्हारा नगर वो कहाँ है? मेरा नगर है शोणितपुर। शोणितपुर, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो मित्र, और चलो मेरा नगर देखने मेरे साथ। परंतु नहीं नहीं, अस्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं, तुम्हें तो आज चलना ही होगा। इतने वर्षों उपरांत तुम्हें तुम्हारा ये मित्र मिला है, क्या उसका इतना अनुरोध भी नहीं मानोगे? माता भूदेवी को जो आभास हुआ वो उचित था, अनिष्ट होने ही वाला था। कैसा अनिष्ट? जी नरकासुर, मदिरा पान कीजिए। नहीं नहीं, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता। ले लो मित्र, ये शोणितपुर है, यहाँ संसार का कोई आनंद वर्जित नहीं, भूल जाओ सभी रोक टोक और जीवन का आनंद उठाओ। असुर यदि सुरा और सुंदरी से अलग रहेंगे तो उनका तो सुर ही बिगड़ जाएगा। इस मादक रस में ही सुख है मित्र, एक बार चखकर तो देख लो, तुम्हें अपने मित्र पर गर्व होगा। मित्र के सत्कार का अधिकार तुम मत छीनो मुझसे। किसी भावी अनिष्ट का आभास क्यों हुआ मुझे? और लाओ। मुझे और मदिरा दो। लो मित्र, पियो। के भीतर के असुर को बस जगाना ही तो था मुझे, अब मेरा कार्य हो गया। अरे मित्र, अरे संभलो संभलो संभलो, आओ सिंहासन पर बैठो। अब कहो मित्र, आनंद आया ना? हाँ मित्र, आनंद ही आनंद मिला मुझे। तुमने क्या सत्कार किया, जैसे मेरी तो आंखें ही खुल गई। केवल सत्कार नहीं था, आंखें तो तुम्हारी तब खुलेंगी मित्र, जब तुम ये जानोगे ये मेरा नित्य का जीवन है। वाह, अद्भुत है तुम्हारा जीवन। तो क्या राजा होकर भी तुम इन सब आनंद से दूर हो क्या? हाँ मित्र, माता की पूजा से ही मेरे दिन का आरंभ भी होता है और अंत भी। बीच के समय में राजपाट के कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी और कार्य के लिए समय ही कहाँ है। तो फिर तो बड़ा ही नीरस जीवन है तुम्हारा। किंतु क्यों? नहीं नहीं, नीरस नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सुख है। सुख? कैसा सुख? सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम, ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। सुबह पूजा, संध्या पूजा,
रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम। ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। हाँ वो तो है, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं, यही सीखा है। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं। मेरे समान जीवन जियो, और क्या। किंतु वेद और संत तो यही कहते हैं कि हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। मेरी माता ने भी यही शिक्षा दी है, और प्रभु श्री हरि नारायण के अनुसार हमें वेद प्रचार और धर्म कर्मों में ही अपना जीवन बिताना चाहिए, यही अच्छा। जिन्हें जीवन का सत्य नहीं पता या जिनके पास साधन नहीं है, ये सब उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं। किंतु मैं तो अपने जीवन में खुश हूं। मित्र तब खुशी किसे कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं है तुम्हें। सत्य कैसे सत्य। यही कि तुम्हें ये सब समझाकर तुम्हारा लाभ उठाया जा रहा है। जानते भी हो किस पे आरोप लगा रहे हो, मेरी माँ माता कामाख्या, प्रभु श्री नारायण, ये भला मेरा लाभ क्यों उठाएंगे। मित्र बड़ा विश्वासी मन है तुम्हारा, बड़ा विश्वासी मन है, इतना भी नहीं समझते। ये देवताओं की केवल चाल भर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी देवता तुम्हारे बल के समक्ष टिक नहीं सकता। इसलिए नियमों के मकड़ जाल में तुम्हें उलझा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इन नियमों के पालन से तुम्हें क्या मिल रहा है। इसलिए कहता हूं जीवन है तो उसका आनंद उठाओ, व्यर्थ के नियमों में अपना जीवन व्यर्थ मत करो मित्र। ये नियम देवताओं और ऋषियों के लिए छोड़ दो। हम असुर क्यों हवन कर उन देवताओं को पुष्टि दे, उनकी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है। कुछ नहीं। इसलिए ध्यान से सोचो और वही करो जिसमें तुम्हें आनंद आता है। किंतु मैं जानता हूं मित्र, मेरे जैसा जीवन जीना तुम्हारे वश की बात नहीं। क्यों क्यों नहीं। क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो, तुम्हारी सोच स्वतंत्र नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मित्र। नहीं मैं वारा पुत्र हूं, प्रभु श्री हरि नारायण के अवतार हैं वो। सच या इस विचार को तुम्हारे मन में डाला गया। अच्छा बताओ कभी श्री नारायण ने तुम्हारा लालन पालन किया, कुछ समय बिताया, तुम्हारे साथ कभी भी खड़े रहे। नहीं ना तो फिर तुम्हारे पिता कैसे हुए, तो फिर तुम्हारे पिता कैसे हुए। मित्र बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण, सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे, त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। और अब तुम्हें पालतू पशुओं की भांति अपने अधीन कर रखा है, जिससे देवराज इंद्र और अन्य देवता प्रसन्न रहे और सुरक्षित रहे। तो फिर अब मैं उन देवताओं को पालतू पशु के समान बंदी बनाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए माता, देवताओं को अपने अधीन बना सके आपका ये भक्त नरकासुर।
पुत्र, तुम धर्म पथ से भटक रहे हो। अभी नहीं संभले तो स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित करोगे। मित्रता निभाना सबसे बड़ा धर्म होता है मां। जीवन में निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वही करने जा रहा हूं मैं। जिसने भी तुम्हें ऐसा सुझाव दिया वो मित्र नहीं शत्रु है तुम्हारा। मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु को जो नहीं पहचान पाते वे अपनी सुख समृद्धि सब नष्ट कर लेते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।